ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप दर्द की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको दर्द होता है और आप दवा खा के परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा से ही सुन के आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कैसा भी दर्द हो रहा है, तो वो दर्द मात्र 15 मिनट में गायब होगा। कैसे करना इस उपाय को, बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है, बताऊँगा। लेकिन सबसे पहला काम, आप लाइक कर दो। आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। देखो, आपको क्या करना है, आपको अपने किचन में जाना है या फिर आपको ऐसे रूम में जाना है जहाँ पर आप अपने पीने का पानी रखते हों, चाहे वो घड़ा हो जाए, चाहे वो बाल्टी हो, चाहे वो लोटा हो, जहाँ पर भी आप अपने घर का पीने का पानी रखते हों, उस पीने के पानी के स्थान के पास जाना है, चाहे वो आरओ ही क्यों ना हो, ठीक है। मैं आरओ लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आरओ के पास जाना है और अपना हाथ कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। और अपने हाथ में क्या करना है, आपको एक जल का पात्र रखना है। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने जैसे कटोरी रखी है, तो आप कटोरी ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं। अपने हाथ को इस तरीके से करना है और इस जल के पात्र में आपको जल भरना है थोड़ा सा, ठीक है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको 7 बार लेना है। कितनी बार? 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल के पात्र को कुछ इस तरीके से रखना है अपने हाथ में, ठीक है। फिर जिस व्यक्ति को आप उस बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, उस व्यक्ति को यह जो जल है, उस जल को आप ले जाकर के पिला देंगे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। अब आप कहेंगे, भैया इस उपाय को हम कौन से दिन करें? देखो, जब भी उस व्यक्ति को दर्द उठे उसकी बॉडी में, जब भी उसको बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाए उसकी बॉडी में, उसी टाइम आपको इस उपाय को करना है। आपको दौड़ करके तुरंत जाना है अपने किचन में और अपने हाथ को इस तरीके से करना है, जल के पात्र को इसमें रखना है, 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है और उसके बाद उस व्यक्ति को ले जा करके इस जल के पात्र को पिला देना है। किसका ध्यान करते हुए, किसका स्मरण करते हुए ध्यान रखना है, नाम ज़रूर लेना है, मत भूलिएगा। कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए उस जल को उस व्यक्ति को ला देंगे। बस आप 15 से 20 मिनट वेट करिएगा, उस व्यक्ति का जो दर्द है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूं, अगर किसी बीमारी की दवा आपकी चल रही है, तो उस दवा को आप बिना डॉक्टर की सलाह के बंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जल पिला दिया, वो व्यक्ति सही हो गया बहुत अच्छे तरीके से, तो आपने दवा बंद करा दी, नहीं। आप बिल्कुल डॉक्टर से पहले सलाह लेंगे, उसके बाद उस दवा को बंद करेंगे, ठीक है। तो कोशिश की है आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिएगा। आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, तो मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।